गुर्बत लाने वाली सात गलतियां, जिन गलतियों की वजह से तकरीबन 90% लोग हमेशा हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। पहले तो पैसा आता नहीं है, आता है तो ठहरता नहीं है, और कभी अगर पैसे थोड़े बहुत जमा हो भी जाएं तो अपने लिए कुछ बनाने का मौका नहीं मिलता। मेरी पूरी बात सुकून से बैठ के सुनिएगा, इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि दुरूद शरीफ के सदके आपका गुर्बत की लकीर से निकलने का वक्त आ गया है। मैं डॉक्टर फहद अर्तानी रोशनी वाला आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम रोशनी सेंटर .com। इस वीडियो के आखिर के अंदर मैं आपको उस सवाल का जवाब दूंगा जिस सवाल को मुझसे हजारों बार पूछा गया है, और आज उस सवाल के जवाब देने का वक्त आ गया है। जिस घर में मियां बीवी के लड़ाई झगड़े की आवाज घर से बाहर जाती, समझ लीजिए कि रिस्क की बरकत भी अपने साथ ही लेके चली जाती है। इसका बुनियादी उसूल यह है कि जिस वक्त औरत की आवाज घर से बाहर जाती है तो घर के दस्तरखान से बरकतें उठ जाती है, और जिस वक्त कोई मर्द अपनी बीवी को गाली देकर पुकारता है तो औरत के नसीब का रिस्क उस शौहर को मिलना बंद हो जाता है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता हो उस घर की औरत या मर्द 100 मर्तबा हर नमाज के बाद या अल्लाह हो या अलीमो या हलीमो पढ़े, अपनी असील और अपने दामन से अपना मुंह और अपना चेहरा कभी भी ना पहुंचे, क्योंकि मैले कुचेले कपड़े आपको जबूहाली की तरफ लेकर जाते हैं। जबूहाली कभी आपको छू कर नहीं गुजरेगी। ऐसे चमकदार आप कपड़े पहनेंगे, पढ़ेंगे आप जुम्मे के दिन सूरह जुमा। जिन लोगों के काम अक्सर होते होते आखिर वक्त में रुक जाते हैं ना, वो इस बात पर जरूर गौर करें। कलाम पाक आसमानी किताब है जिसके वसीले से हमें आसमान से रिज्क, रोजी और बरकतें मिलती हैं। जाइए जाके चेक कीजिए, खुदा ना खास्ता का कलाम पाक के ऊपर अगर मिट्टी जमी हुई तो जाके उस मिट्टी को हटाइए ताकि आपके नसीब पे जमी हुई धूल हट जाए। घर में गुर्बत और नहुसत लाने वाले कामों से निकलिए, अल्लाह ताला से माफी मांगिए, दुआ में जाके अपना नाम जरूर शामिल करवाइए। आपकी हर दुआ होगी कबूल क्योंकि आपका नाम दुआ में शामिल होगा जरूर। और जिस वक्त 40 लोग एक वक्त में दुआ के लिए एक जगह बैठ जाते हैं तो दुआएं जरूर अल्लाह ताला कबूल करता है। जाइए दुआ में अपने पूरी फैमिली का नाम शामिल करवाइए। घर में अगर मकड़ी के जाले तो उसे जरूर दूर कीजिए। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि ये मकड़ी के जाले नहीं, शैतान का जाल है। अल्लाह का रिस्क लेकर जो रहमत के फरिश्ते आपके घर में आना चाहते हैं वो इन जालों को देखकर घबराते हैं, फिर वो आपके घर में नहीं आते। अब मैं दूंगा उस सवाल का जवाब जो मुझसे हजारों बार पूछा गया है। इस वीडियो के शुरू के अंदर मैंने जिस बारे में आपको बताया था, लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब आपका पर्सनल नंबर क्या है। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर डायरेक्ट कॉल नहीं की जाएगी। मैं उसी वक्त पूरे 24 घंटे आपके फोन नहीं सुन सकता। सारे जो मैसेजेस हैं वो जमा होंगे तहज्जुद के वक्त जब रात में बैठूंगा, उस वक्त तमाम लोगों के एक एक करके इंशाअल्लाह जवाब देता चला जाऊंगा। जिसने हाय हेलो लिखकर भेजा मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा, पहले आपको बता रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपना मसला बयान कीजिए, मुकम्मल तफसील के साथ इस्तखारा करके आपको सही जवाब मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप का पर्सनल मोबाइल नंबर है जिसके साथ में रूहानी मसले मसाइल हो वही रब्ता करें। घर में कोई मेहमान आए तो उसको हमेशा खिला पिला कर भेजिए। पता है क्यों? घर में रहमतें आती है, क्योंकि वो अपने नसीब का रिस्क भी साथ में लेकर आता है, इसलिए आपके रिस्क में इजाफा जरूर होता है। घर में कोई मेहमान आए या आने वाला हो तो दुरूद शरीफ पढ़िए और घर के चारों कोनों पर रहमत की नियत से दम करें। बहुत सारे लोगों को बर्तन में बचाकर खाना जाया करने की आदत होती है। याद रखिएगा हमेशा कौन से दाने में शिफा है और किस दाने पे आपका नाम लिखा है आपको नहीं पता, क्या वही दाना आप जाया तो नहीं कर देते? खवातीन से कह रहा हूँ, मेरी जितनी रूहानी बहनें हैं सबसे कह रहा हूँ, या अल्लाह हो या रकीबो या वासे हो पढ़ा करें। जिस वक्त खाना पका रहे हो बगैर गिनती पढ़ा करें। घर में कभी भी रिस्क की बेबरकती नहीं होगी, ये मेरी बात याद रखना। हाथ उठा उठा के अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ दे और कम अज कम इस दुनिया के अंदर कभी किसी को रिस्क की तंगी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाले, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें दूसरे के लिए फायदे का बाइस बना। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।